अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में हीरा मानी के हवाले से खास खबर। यू तो व्यूज, हीरा मानी का नाम जहन में आते ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी अक्सर हीरा मानी के नाम के साथ रिलेट की जाती हैं। यहाँ व्यूज में आपको बता चलूँ की रिसेंटली हीरा और मानी को स्पॉट किया गया निदा यासिर के शो में। बहुत सारी बातें क्लियर आउट करते हुए नजर आए हीरा भी और मानी भी। यहाँ व्यूज में आपको बता चलूँ की पिछले दिनों हीरा मानी का एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने मानी से अपनी शादी के हवाले से बात करते हुए बताया कि किस तरह उनकी शादी मानी से हुई। और फिर जब उन्होंने डिटेल्स बताई कि किस तरह वो दोनों मिले, और उनका ये कहना था कि उनकी फ्रेंड के फ्रेंड थे मानी। और उसमें आपको बता चलूँ कि क्योंकि मानी हीरा की फ्रेंड के फ्रेंड थे और फिर हीरा ने उनसे दोस्ती कर ली, तो इस वजह से व्यूज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉलिंग का निशाना बनी हीरा मानी। इससे पहले भी अपने मुख्तलिफ किस्म के कॉमेंट को लेकर अक्सर हीरा मानी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी, बहुत सारी क्रिटिसिज्म और बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सामने आती रहती हीरा मानी को लेकर। और यही कहा जाता है कि जब भी हीरा मानी का कोई इंटरव्यू ऑन एयर जाता है, एक खास किस्म की कंट्रोवर्सी उस इंटरव्यू के साथ जरूर सामने आती है। इस पर मानी का ये कहना था कि पहले एक साल पहले तो काफ़ी ज़्यादा जब कंट्रोवर्सी और मुख्तलिफ किस्म की क्रिटिसिज्म और ट्रॉलिंग उनके हवाले से सामने आती थी, तो उन्हें बहुत अजीब महसूस होता था, लेकिन एक साल के बाद जो है वो तमाम चीज़ों को आसानी से ओवरकम कर पाए। यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि अगर बात करें मानी के हवाले से, तो मानी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है। और फिर हमने दिया कि जब हीरा की शादी जो है वो मानी से हुई, तो हीरा मानी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। अब देखना यह कि आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट इन दोनों की सामने आती है, ये तो ऑब्वियसली हमें आने वाले वक्त ही बताएगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पर फॉर मोर अपडेट। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल पे कुछ ना दिखता, आप इसे अपडेट होते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।